यूपी के रामपुर में ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट के औचक निरीक्षण के दौरान साफ सफाई ना होने से गांव की पोल खुल गई। जी हां, इस औचक निरीक्षण से गांव में हड़कंप मच गया। गांव के औचक निरीक्षण के दौरान गंदगी और मिड डे मील में कमियां पाई गई हैं और ग्राम विकास की जमीन पर कब्जा देख ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट ने ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी व लेखपाल को फटकार भी लगाई और जवाब तलब कर जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई। जी हां, प्रदेश सरकार द्वारा गरीब एवं बेसहारा लोगों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाने के साथ ही गांव-गांव पक्की सड़कों एवं बड़े पैमाने पर शौचालयों का निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं स्वार क्षेत्र के गांव मिलक काजी में ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट गौरव कुमार ने औचक निरीक्षण किया। ग्राम समाज के जमीन पर अवैध कब्जा, कूड़े के ढेर, नाले नालियां टूटी, जिसमें की मिड डे मील में कमियां देख ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट गौरव कुमार भड़क उठे। जी हाँ, इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्र पूरी तरह से जर्जर होने पर आंगनवाड़ी में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, जिसमें कि नई आंगनवाड़ी बना रखी है। ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से कहा कि कल से नई आंगनवाड़ी में बच्चों को पढ़ाया जाए और बच्चों को पोषण आहार अच्छे तरीके से दिया जाए। जैसा कि मेरा क्षेत्र है स्वार, यहाँ का चार्ज मिला है तो गाँव में भ्रमण करके निरीक्षण करना ये हमारे दायित्वों के अंतर्गत है। तो गांव मैं लगभग यही कर रहा हूं कि डेली बेसिस पर एक या दो गांवों में निरीक्षण कर रहा हूं, जिसमें प्रमुख तौर पर प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम समाज की जितनी भूमियां हैं जैसे तालाब, खलिहान इत्यादि, एवं साफ सफाई व्यवस्था जो और जो प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा विकास कार्य किए गए हैं उनकी समीक्षा। अच्छा सर, एक चीज़ देखने को मिली है कि कोटे डीलरों में और प्रधानों में आपकी कार्यवाही से बराबर हड़कंप पहुँचा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? जो ऐसा है कि हम समीक्षा कर रहे हैं कि जितने भी प्रधान हैं उनके द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं वो उनकी गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं। साफ सफाई हो रही है नहीं, घूर अभी भी हमें गांव से शिकायतें आ रही हैं, तो वो क्यों पड़े हैं, तो जिन जहां जहां पड़े हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, ऐसी ही हमारी। आपकी कार्रवाई से सर गरीब तत्व के लोग जो है बहुत खुश हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, अच्छा है, हमारा सदैव यही प्रयास रहता है कि जो गरीब आदमी है उसको सरकारी योजनाओं का जितना लाभ मिले वो मिल सके, और जहाँ जहाँ पर भूमियों पर कब्जा आए हम उसे हटा सकें। विद्यालयों में जा जाकर बच्चों के जो राइट्स हैं, जैसे ड्रेस उन्हें मिलनी है, मिड डे मील उन्हें मिलनी है, उसमें गुणवत्ता रहे, यही हमारा दायित्व है। सर, आज आपने ग्राम मिलक काजी में निरीक्षण किया है, किस किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे सर? देखिए, अभी तो मैं अपनी निरीक्षण आख्या जो है वो जिलाधिकारी महोदय एवं जितने भी संबंधित विभाग हैं सभी को भेज रहा हूँ, और जो भी मेरी टिप्पणियां हैं, जैसे कि स्कूल में जो है हमने देखा कि मिड डे मील में खुले मसालों का प्रयोग हो रहा था, दूध की मात्रा बहुत कम थी, या कुछ बच्चों को ड्रेस वितरित नहीं हुई है, तो उन सभी की जो आख्या है मैं भेज रहा हूं संबंधित विभागों में और जिलाधिकारी महोदय को, वो अपने स्तर से समुचित कार्रवाई करेंगे। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।